ये देखिए, ऐसा है कि हम मानते हैं और हमारा ऐसा सोचना है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, पार्टी की क्या राय है, पार्टी के स्पोक्स पर्सन। लेकिन विदेशी सरजमी पर किसी भी तरह की देश के प्रति कॉन्सोलिडेशन का भाव होना चाहिए, देश के प्रति समग्रता का भाव होना चाहिए, देश के प्रति उन्नति का भाव होना चाहिए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब विपक्ष में थे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे यूएनओ में, उनके भाषण को सुनिए किस तरह से उन्होंने देश के मान सम्मान की बात की। तो कोई भी नेता अगर विदेशी सरजमी पे जाता है, वो देश की उन्नति का और देश को आने वाले समय में हम कैसे सुपर पावर बना सके उसकी बात होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि देश हित में सभी राजनीतिक दल एकमुश्त हैं, एक साथ हैं। और देश के अंदर जो आपको बात करना हो बात करें, विदेशी सरजमी पर देश के प्रति या देश की इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर चर्चा आप करिएगा तो उससे देश की छवि खराब होगी। अगर हो जाएगा तो बहुत से जमीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है, और जमीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये जमीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाएगी। उस नियत से ये सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी पीछे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है। और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं जमीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाए। ब्लॉक में लोग जाते हैं, पैसे की डिमांड की जाती है, ब्लॉक में लोग जाते हैं जमीन के काम कुछ काम करने, पैसे की डिमांड की जाती है। जी देखिए, ऐसा है कि ये कोई स्पेसिफिक है जिनसे पैसा मांगा जाता है, ये एक जनरल टर्म है कि पैसा मांगा जा रहा है। अगर स्पेसिफिक हम पूरे शिद्दत से कह रहे हैं कि अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीईओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है, तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करेंगे। हम लोग ऐसे लोगों को ट्रैप करेंगे और भितरबंद करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए हैं और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने फोन नंबर जारी किया है राजस्व मंत्री ने। करना चाहिए, झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। वो क्या है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना, आप बोल रहे हैं पब्लिक में दिखाइएगा अकेले अकेले में, गलत बात है ना, आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कोई है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको जो कह रहे हैं कि दो बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उसकी कृपा रहे, ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं, माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, आंकड़ा देखिए। जब जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है, हम क्यों बोलने से और उसमें, आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति थी, सब तो आंकड़ा कहते हैं। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में, नहीं हम तो सबके संपर्क में हैं, हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेकर जो बाइडन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं, हम सबके संपर्क में हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। नीतीश कुमार और आनंद सिंह की मुलाकात को लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधी को कभी सीएम हाउस से मिलने के लिए कभी खुद ही चले जाते हैं, क्या बात है। अच्छा, अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए, ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम, कि अगर आनंद सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए, इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पर नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे, और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए
लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश लालू? जनता को सोचना। ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 20 सीटें हमारे पास अधिक रहती तो जो 400 का नारा दे रहे थे वो जेल में रहे। हो सकता है उनका ऐसा सोच होगा कि हम आएंगे पावर में तो अपने विरोधियों को जेल भेजेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महादेव ने उनको बाबा पावर ही नहीं दिया, क्योंकि महादेव अगला को जेल भेजना नहीं चाहते थे, बैड लक हो गया उनका। केजरीवाल को शराबबंदी पर जीतन राम मांझी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सफेद पोश लोग शराब पीते हैं लेकिन प्रशासन उन्हें पकड़ती नहीं, रात में सफेद पोश लोग शराब पीते हैं। प्रशासन जानकारी सरकार को देनी चाहिए कि ऐसे कौन प्रशासन के लोग हैं जिनके मिलीभगत से ऐसा हो रहा है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर स्पेसिफिक हम लोगों को बताया जाएगा, सीनियर लीडर हैं, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ लोग तो करते ही हैं, नहीं तो इतना शराब पकड़ा कैसे रहा है भाई। ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट का एक्ट बना, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट, क्या दलितों पर उत्पीड़न बंद हो गया? डाउरी एक्ट बना, क्या डाउरी लेने के लोगों का उत्पीड़न खत्म हो गया? एक्ट बनने के बाद उसी तरह से हमने शराबबंदी लाया, लेकिन कुछ लोग रहते हैं इस तरह के काम में। अब आपको हत्या करने पर जेल होगा, फांसी होगा, तो हत्या बंद हो गई है क्या देश में? अरे करता ही है लोग, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है कहीं भी, वो लोग अपनी घट करते हैं। हम लोग नोटिस नहीं लेते प्रशांत किशोर का। केंद्र सरकार ने गृह विभाग ने वहाँ से लेटर भेजा है भारत सरकार को कि जो बांग्लादेश के शरणार्थी 1970 में आए थे उनकी क्या स्थिति है, उनकी तैयार कर सकता है ऐसा? हमको उसकी जानकारी हम नहीं समझ पा रहे हैं। बांग्लादेशी 1970 में जो आए थे शरणार्थी, 1 करोड़ लगभग आए थे भारत में, उसमें से कितने लोग हैं बिहार में, उनकी क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट मांगा गया है? हमको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कोई डेटाबेस बना रहे होंगे, हो सकता है कोई डेटाबेस, क्योंकि जो बांग्लादेश में घटना हुई है उसके बाद भारत सरकार कोई फर्दर कोई और नहीं आ जाए, नए नहीं कुछ को लोग आ जाए, कुछ डेटाबेस क्या है हमको, आई डोंट हैव एनी आइडिया। न्यायालय का न्याय निर्णय है, बेल मिलना नहीं मिलना में ना हम खुशी कहाँ, हम उस पार्टी के हैं ना, हम दुख व्यक्त कर सकते हैं ना हम खुशी व्यक्त कर सकते हैं, न्यायालय का निर्णय है ना हमारे लिए कोई खबर है। सर बंगाल में कल मीटिंग बुलाई गई थी सरकार और डॉक्टरों के बीच सुलह सलाह को लेकर, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचे और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल की आवाम चाहेगी तो वो जो है इस्तीफा दे देंगे। तो वो उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि हम बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, और हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ बातचीत में जाना चाहिए और अपनी स्थिति और अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे सरकार की क्या नीयत है ये भी साफ होती है और डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी साफ होती है, ऐसे तो डेडलॉक हो जाएगा ना। हमको लगता है डॉक्टरों को जाना चाहिए था, देश की मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उसमें जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो डिमांड थे वो रखने चाहिए थे, जिससे सरकार उसको पूरा कर सकती नहीं कर सकती ये। लेकिन ये कि हम नहीं जाएंगे, कल कोई ऐसी बात हो जाए किसी राज्य में और एक तरफ कहे कि हम डेडलॉक की स्थिति पर है, तो सरकार के लिए तो मुश्किल है। राहुल राज्यपाल ने सर कहा है कि वो किसी भी मंच पर ममता बनर्जी के साथ जो है मंच साझा नहीं करेंगे। ये तो महान माननीय राज्यपाल महोदय का अपनी उनके कार्य मतलब ममता जी के साथ अपने संबंध है अपने, उस पर हम लोगों को क्या टिप्पणी, कोई राजनीतिक कोई पॉलिटिकल बात तो है नहीं, ये तो महामहिम राज्यपाल की अपनी संबंध की बात है, अपनी कार्यप्रणाली की बात है।